हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दोस्तों जो है 24th मैच की मैच बड़ी, 24th मुकाबला है, खेला जाएगा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच। और ये मुकाबला है दोस्तों, ये होगा 27 अक्टूबर की शाम को 4:30 बजे भारतीय समय साहब। पर्थ में मुकाबला होगा, जहाँ पे बाउंसीज पिचेस होती हैं और काफ़ी अच्छे जो दो मुकाबले में काफ़ी अच्छे हुए हैं, वन साइडेड नहीं हुए हैं। अफगानिस्तान ने भी हालत ख़राब कर दी थी इंग्लैंड की, और श्रीलंका ने भी हालत ख़राब कर दी थी ऑस्ट्रेलिया की चेस करने में, हालांकि दोनों चेस हुए हैं ठीक है गाइस, क्योंकि उतने रन ही नहीं बने थे। तो अगर मैं जिम्बाब्वे की टीम पे नजर डालूँ तो रेजिस चिगावा, ब्रायन बोल, क्रेग ओवाइन, सीन विलियम्स जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। ब्लेसिंग मजरवानी काफ़ी अच्छा यहाँ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के PSL में खेलते हैं और काफ़ी अच्छा करते भी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, स्पेशली बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ ठीक है। और चिटारा जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, सिकंदर रजा को आप कैसे भूल सकते हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म में है सिकंदर रजा, सिर्फ सूर्य कुमार यादव ने उनसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस साल T20 क्रिकेट में। तो अब दोनों दोस्तों, दोनों की जो पिछले 5 मुकाबलों पर नजर डालूँ तो 5 में से दोस्तों जो है 2 जीत कर आ रही है पाकिस्तान, 3 जीत कर आ रही है जिम्बाब्वे ठीक है। दोनों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 9 बार जीती है पाकिस्तान, 1 बार जीती है जिम्बाब्वे। लेकिन पिछला मुकाबला जो पाकिस्तान ने 24 रनों से जीता था, उससे पिछला जिम्बाब्वे ने जीता था, उससे पिछला पाकिस्तान ने मात्र 11 रन से जीता था। तो कहानी यह है दोस्तों कि पाकिस्तान मुकाबला जरूर जीतती है, पर नेल बाइटिंग मैच होते हैं, एक तरफा मुकाबला नहीं जीतती है। तो यहाँ पर भी मुकाबला अच्छा होगा ठीक है गाइस। अगर पिछले 10 मुकाबले पर डालूँ तो 50% विनिंग परसेंटेज है पाकिस्तान का, 70% है जिम्बाब्वे का, 156 रन एवरेज स्कोर है दोस्तों पाकिस्तान का, 160 है जिम्बाब्वे का, 177 रन है दोस्तों पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर, 205 है जिम्बाब्वे का, 130 रन है पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर, 122 है जिम्बाब्वे का ठीक है गाइस। तो यह तो थी कुछ एनालिसिस। अब आइए पर्थ की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं। तो पर्थ का जो ग्राउंड है दोस्तों, उस पर नजर डालते हैं। पर्थ का मैं बता दूं, यहाँ आपका वाका ग्राउंड नहीं है, पर्थ का जो न्यू स्टेडियम है वो वाला है ये ठीक है गाइस। तो यहाँ पर दोस्तों 3 मुकाबले खेले गए हैं, 1 जीते हैं पहले बल्लेबाजी ने, 2 जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाले ने। एवरेज स्कोर 142 रन का रहता है, इंग्लैंड का हाइएस्ट है 208 रन, पाकिस्तान का लोएस्ट है 106 रन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा ठीक है गाइस। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है, उसकी अपडेट में टेलीग्राम में देता हूँ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे। तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं पर भी कोई लिंक मिले टेलीग्राम का, तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है ठीक है गाइस। तो ये तो थी कुछ। अब मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न की बात करता हूँ इस ग्राउंड पर। तो स्कोरिंग पैटर्न है 150 से कम 2 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर 0 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 0 बार, 190 से ऊपर स्कोर 0 बार बन चुका है ठीक है इस। अब भाई दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर डाले तो जिम्बाब्वे जो है रेजिस चिगावा के साथ ओपनिंग करेंगे, क्रेग ओवाइन, वेस्ली मदवीरे, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा ठीक है गाइस, नंबर 4 मिल्टन शुम्बा, नंबर 5 रायन बोल, नंबर 6 बाकी की प्लेइंग आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, देख लीजिएगा। वहीं अगर मैं दोस्तों पाकिस्तान की टीम पर डालूँ तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, शान मकसूद नंबर 3, शादाब खान नंबर 4, हैदर अली नंबर 5, शाहिन शाफरीदी नंबर 6। थोड़ी सी बैटिंग मुझे वीक लग रही है दोस्तों ठीक है। और पाकिस्तान की तो अगर मैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँ आपको करना क्या, आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सेशन और फैंटेसी स्कीम्स आपको दी जाएगी टेलीग्राम पे। और अगर तो उसके बाद अगर कोई मैच प्रेडिक्शन चेंज होता है तो उसकी अपडेट भी टेलीग्राम में दी जाएगी। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे नाम पे टेलीग्राम पे। अगर आप उन फेक चैनल से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जाता है, उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं पर कोई लिंक मिले टेलीग्राम का, ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी आपका वन एंड ओनली पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, वन एंड ओनली पाकिस्तान ही मुकाबला जीतेगी ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।